चैनल डेली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही नया टॉपिक लेके आई हूँ जो है फेशियल। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको घर पर ही फेशियल करने के काफी सारे नए इंग्रेडिएंट से फेशियल करना सिखाया था, जैसे कि एलोवेरा से फेशियल करना, टमाटर से और दूध और नमक से। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये टॉपिक है कि आज मैं आपको इस वीडियो में आलू की मदद से घर पर ही फेशियल करना सिखाऊंगी। दोस्तों, वैसे आप जान गए होंगे कि आलू की मदद से किस तरीके से फेशियल हो सकता है, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आलू की मदद से आप किस तरीके से घर पर ही फेशियल कर सकती हैं और पार्लर जैसा निखरा चमकदार चेहरा पा सकती हैं। ये जो फेशियल है वो पूरी तरह से नेचुरल है और आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो लाने में और आपके चेहरे पर जो डेड स्किन है, काली दाग धब्बे है, उनको हटाने में ये आपकी काफी हेल्प करेगा। और इसके अलावा अगर फ्रेंड्स धूप की वजह से आपकी स्किन काफी टाइट टेन हो गई है तो उस टेन स्किन को रिमूव करके स्किन को बहुत ही खिला खिला और तरोताजा बनाने में भी आपकी काफी हेल्प करेगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से आप घर पर ही आलू की मदद से फेशियल कर सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेशियल करने का सबसे पहला स्टेप होता है क्लींजिंग। तो मैं यहाँ पर स्किन से ऑयल, जो एक्स्ट्रा ऑयल है, डर्ट है या बैक्टीरिया है, उनको रिमूव करने के लिए क्लींजर बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए रॉ पटेटो, यानी कि कच्चा आलू। अब इस पटेटो को अच्छे से कद्दूकस करके इसका कपड़े की मदद से या आप छलनी की मदद से इसका जूस निकाल लें। फिर इस जूस को लगभग आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखें और फ्रिज में रखने के बाद फिर इसमें कॉटन पैड की मदद से इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करें और कॉटन की मदद से अपने चेहरे को साफ करें। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपका कॉटन काफी काला हो जाएगा क्योंकि आपके चेहरे पर जो गंदगी, एक्स्ट्रा ऑयल, जो डर्ट होगा, ये उसे रिमूव करने में हेल्प करता है, जिससे कि आपकी स्किन एकदम फ्रेश एंड बहुत ही तरोताजा महसूस होगी। फ्रेंड्स, पटेटो मिनरल्स, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस और भी कई तरह के भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हेल्थी और ग्रोइंग स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा इसमें कई तरह के विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को, स्किन टोन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अप्लाई करने के बाद आप अपने फेस को किसी गीले कपड़े से साफ कर लें। इसके बाद फेशियल करने का दूसरा स्टेप है स्क्रबिंग। तो स्क्रब तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर लूंगी पटेटो, 3 चम्मच रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध जिसे उबाला ना गया हो, और 1 चम्मच हनी और 4 चम्मच ब्राउन शुगर। अगर फ्रेंड्स आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप यहाँ पर वाइट शुगर भी यूज कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्रब बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूंगी कच्चे आलू का जूस, 3 चम्मच कच्चा दूध जिसे उबाला ना गया हो, 1 चम्मच हनी और 4 चम्मच ब्राउन शुगर। अब इन चारों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसका एक स्मूथ सब, जब इसका फाइन पेस्ट तैयार हो जाए तो इसे अपने फेस पर अप्लाई करें और हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करें। फ्रेंड्स, ध्यान रहे आपको बहुत ही जेंटली स्क्रब करना है। फेस पर स्क्रब करने से ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जो कि आपकी स्किन में, जब आपकी स्किन में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा तो ये आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ एंड स्पॉटलेस बनाने में हेल्प करता है। स्क्रब करने से ये आपकी डेड स्किन को निकालने में हेल्प करता है। अगर आपकी स्किन पर काफी सारे ब्लेमिशेज हैं, टेन है या कोई भी सन स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो उन्हें रिमूव करके स्किन को बहुत ही ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्क्रब करने से ये आपकी स्किन के स्किन टोन को, स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। अगर आपके चेहरे पर काफी सारे रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, तो ये उन्हें भी रिमूव करेगा। तो इस तरीके से स्क्रब करने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट बाद आप अपने चेहरे को साफ पानी से धो लें। ऐसा करने से ये आपकी स्किन डेड स्किन को निकालकर, टैन को और ब्लैक स्पॉट्स को निकालकर आपकी स्किन को एकदम तरोताजा और बहुत ही ग्लोइंग बनाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, बारी आती है चेहरे से ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पर व्हाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं, पिंपल्स, एक्ने के निशान, दाग धब्बे हैं, तो उन्हें निकालने के लिए और रोम चित्रों को खोलने के लिए मैं यहाँ पर लूंगी 1 बाउल और इसमें लगभग आधा बाउल को
अच्छे से उबालें। फिर उबालने के बाद अपने चेहरे पर लगभग 5 मिनट के लिए अपने चेहरे पर भाप लें। दोस्तों भाप लेने से ये आपके रोम छिद्र को खोल देगा और आपके चेहरे पर जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं या आपके चेहरे पर कोई भी दाग धब्बे हैं तो उन्हें निकालने में ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स भाप लेने से आप अपनी स्किन पर जो एक्स्ट्रा ऑयल है, पिंपल एक्ने हैं तो उन्हें भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फेस मास्क। फ्रेंड्स ये फेशियल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो फेस मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए आलू का जूस, तो मैंने यहाँ पर कच्चे आलू का जूस निकाला हुआ है, और मुल्तानी मिट्टी, और चाहिए आपको कुछ बूंदे गुलाब जल। अब मैं यहाँ पर लूंगी थोड़ा सा लगभग दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी, और अब इसमें ऐड कीजिए आलू का जूस, और अब इसमें ऐड कीजिए कुछ बूंदे गुलाब जल की। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करें। फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद लगभग इसे 25 से 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर अप्लाई रहने दें। फ्रेंड्स इसमें हमने जो मुल्तानी मिट्टी लिया है वो आपके चेहरे को एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। ये जो फेस पैक है आपके स्किन को एकदम चमकदार बनाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया है, आलू में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि आपके चेहरे को एकदम लाइट एंड व्हाइट एंड ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा। तो आप इस फेस पैक को लगभग 30 मिनट तक के लिए अपने चेहरे पर अप्लाई करने दें, और सूखने के बाद अपने चेहरे को साफ पानी से धो लें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी स्किन काफ़ी तरोताजा और बहुत ही चमकदार हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है टोनिंग की। फ्रेंड्स फेशियल में सबसे लास्ट स्टेप है टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये दोनों स्टेप बहुत ही ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स स्किन को टोन करने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे टोनर। तो टोनर बनाने के लिए मैं यहाँ पर कच्चे आलू का जूस लिया है लगभग 2 चम्मच, और अब इसमें ऐड कीजिए 2 चम्मच नींबू का रस। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पर और गर्दन पर अप्लाई करें। फ्रेंड्स ध्यान रहे कि ये आंखों में ना जाए, आंखों को बचाते हुए इसे अपने फेस पर अप्लाई करें, और लगभग आधा घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। फिर ऐसा करने से फ्रेंड्स जो आपके स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ये उसे रिमूव करता है, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन में स्किन काफ़ी काली और बहुत ही सांवली हो जाती है। तो ये स्किन को सांवलीपन को दूर करके स्किन को बहुत ही ग्लोइंग एंड स्पॉटलेस बनाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आपके फेस पर आपकी स्किन में स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को दूर करने में भी हेल्प करता है, एक बहुत ही अच्छे टोनर की तरह काम करता है। तो इसे अपने फेस पर लगभग 30 मिनट के लिए अप्लाई रहने दें, और उसके बाद अपने चेहरे को साफ पानी से धो लें। उसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइजिंग की। तो घर पर ही आलू की मदद से मॉइस्चराइजर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून आलू का जूस, और अब इसमें ऐड करेंगे और 1 चम्मच हनी। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे अपने स्किन पर, अपने फेस और गर्दन पर अप्लाई करें, और लगभग 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद साफ पानी से धो लें। फ्रेंड्स इसमें हमने जो हनी लिया है वो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और मेरे ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।